वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इन दोनों चर्चा में है। जेपीसी की मीटिंगें भी जारी हैं, अपोजिशन जमातों का हंगामा भी जारी है, तो वहीं अमेंडमेंट की मुखालिफत और हिमायत में भी बातें की जा रही हैं। इस दौरान गुलबर्गा के मारूफ कानूनदान डॉक्टर मकसूद अफजल जागीरदार एडवोकेट ने एक पहल करते हुए गुलबर्गा में एक सेमिनार का इनेकाद किया। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा के ऐवान बंदा नवाज में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 द एग्जिस्टिंग वक्फ क्लॉज ए कंपैरिजन के उनवान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। अफजल खान मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से सेमिनार हैदराबाद कर्नाटक के सतह के मुस्लिम वकला के लिए मुनक्किद किया गया था, जिसमें हैदराबाद कर्नाटक के तमाम अजला से ताल्लुक रखने वाले चुनिंदा वकीलों ने शिरकत की। एडवोकेट मकसूद अफजल जागीरदार ने ही इस सेमिनार की सदारत की। सदारती खिताब में उन्होंने वक्त के कई एक नुकात पर खुलकर बात की और खुलकर सवाल उठाए। सवाल ये मेरे को परेशान कर रहा है कि आप जो वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट्स लाए 2013 या 1995 के, तुम कभी भी जो है प्रॉपर्टीज को बाइफरकेट नहीं करे, यानी इनाम लैंड को बाइफरकेट नहीं करे, तुम सिर्फ जो है इमारतों के बारे में भी नहीं बोले। आप मिक्स करके बोल रहे हैं कि ऑल द प्रॉपर्टीज, कि आप कर्नाटका में भी प्रॉपर्टीज हैं तो 90,000 एकर्स प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको आप जो है अलग करके सेपरेट तरीके से नहीं बता रहे कि वक्फ प्रॉपर्टीज कौन से हैं, लैंडेड प्रॉपर्टीज कौन से हैं। अब अनवर मानपड़ी जो है 10,000 पेज का रिपोर्ट दिया, क्यों वक्फ बोर्ड इस्तेमाल नहीं करे, क्यों वक्फ बोर्ड उसको एक्सेप्ट नहीं करे, ये सवाल भी जो है ये सोचने का है। 1924 प्रिवी काउंसिल पेज 109 मोहम्मद रजा वर्सेस सैयद यादगार हुसैन, ये डिसीजन में प्रिवी काउंसिल बोले ग्रांट्स आर नॉट वर्क प्रॉपर्टीज, ग्रांट्स इंक्लूडिंग सर्विस इनाम लैंड बोले सरकार आर नॉट वर्क प्रॉपर्टीज। अगर ये मालूम रहने के बाद में भी तुम अमेंडमेंट 54 में कैसा लाते हैं, ये मालूम रहने के बाद में 1995 में अमेंडमेंट लाते हैं, 54 के डेफिनेशन चेंज करते हैं, 1995 का डेफिनेशन चेंज करते हैं, इस तरीके से करने की वजह से आज जो प्रॉब्लम है सिर्फ लैंडेड प्रॉपर्टीज का है, इनाम जमीनों का प्रॉब्लम है। मेरा एक सवाल है, स्ट्रेट सवाल मेरा, सेक्शन 2 के जो डेफिनेशन में अमेंडमेंट लाके मशरूतुल खिदमत प्रॉपर्टीज और वक्फ प्रॉपर्टीज बोल के बताने की जरूरत क्या पड़ी? 1954 एक्ट में जो है कैसा जो है इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है कि मशरूतुल खिदमत और सर्विस इनाम लैंड्स और वक्फ प्रॉपर्टीज बोल, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट वाज द लीगल हिस्ट्री बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट एंड 1995 अगेन इट इज कंटिन्यूड। मुस्लिम हुक्मरानों की जानिब से तामीर करदा तारीखी इमारतों की खस्ता हाली पर एडवोकेट मकसूद अफजल जागीरदार ने तश्वीश का इजहार किया, इसके तहफ्फुज के लिए कानून बनाने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 6 पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने ये भी वाजे किया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के सख्त मुखालिफ है। सेक्शन 6 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 ये बोलता है कि दी वक्फ बोर्ड मुतवल्ली और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द वर्क शैल फाइल द सूट विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ गेजेट नोटिफिकेशन। तो ये लिमिटेशन आपको फिक्स करने की जरूरत क्या थी? क्या इतने वक्फ बोर्ड में बेवकूफ लोग हैं कि अपने लिए ही लिमिटेशन फिक्स करके अपने प्रॉपर्टीज का टाइटल खत्म करें? पढ़ के अगर देखे तो ये चीज हो गया जो है 86 को ये करके अमेंडमेंट करना और उसके बदले में एक ऐसा कानून लाना कि दोज प्रॉपर्टीज विच आर अनरजिस्टर्ड दे शैल आल्सो बी रजिस्टर्ड
and the possession of these properties be taken, appointment of mutuali is to be made or sajjada is to be appointed, then the maintenance is to be carried out of those old institutions, so that the old institutions can survive for more than 500 to 600 years. By that time, the next pedigree will see that how the Muslim rulers have maintained the religion by constructing the institutions. मैं नवाब के खिलाफ हूँ, ना ही जो है वक्फ, जो प्रेजेंट वक्फ है वो अमेंडमेंट के खिलाफ हूँ. मैं खिलाफ हूँ अमेंडमेंट 2024 का. एग्जिस्टिंग जो वक्फ एक्ट में ही अमेंडमेंट करो, बल्कि जो अमेंडमेंट लाए 44 अमेंडमेंट्स, उसकी कोई जरूरत नहीं है मुस्लिम को बोल के. सीनियर एडवोकेट के नईम अहमद तिमापुरी और नौजवान एडवोकेट अब्दुल मुक्तदिर ने भी सेमिनार से खिताब किया. एडवोकेट तिमापुरी ने वक्फ के ताल्लुक से मोदी हुकूमत की नियत और इसके नॉलेज पर सवालात खड़े किए. वहीं एडवोकेट अब्दुल मुक्तदिर ने अंग्रेजों के जमाने से वक्फ कानून पर रोशनी डाली. सो इट इज रियली वेरी स्ट्रेंज दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, व्हिच इज द बीजेपी गवर्नमेंट, एंड दिस बीजेपी गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग विद दिस स्टिक्स एट दिस थर्ड टर्म ऑफ इट्स rulings. Instead of going to amend the Hindu Religious and Endowment Act, the government is very much interested in Muslims in amending the Waqf Act, which is really very strange. Because during the entire tenure of this 15 years, the government even did not turn up to see whether the Muslims are alive or dead. All of a sudden, the government has taken a step to amend the bill who do not know the ABCD of Waqf Act. It's my challenge to the parliamentarians that any one of the MPs, including our honorable and beloved Prime Minister, do they know what the Waqf is? What the Waqf is defined? And where from the Act, Waqf Act is being originated? The Waqf is originated from the Musliman Validating Waqf of 1930. In the said act, there was two types of waqfs. One waqf is the private waqf, another waqf was a public waqf. The attack on the waqf as an institution has started since 1870s and 80s. Is culminated in the judgment of the Privy Council, and it was reinvigorated due to the effort of the Allama Shibli Nomani, which saw the light in the form of the Musliman Waqf Act 1930. Ultimately, in 1954, Maulana Abul Kalam has played a pivotal role to bringing that one, and thereafter 1995 comes, and because Babri Masjid, many things takes place, and then the Waqf user and all those comes, then it has protected the Muslim to some extent. Then the 2013 amendments comes, which changes this and that, 54 mein kuch is tarah ke curtailments aate hain. Then ultimately this 2024 comes. सेमिनार के दूसरे हिस्से में ओपन सेशन रखा गया था. इस सेशन में सवाल जवाब का मौका रखा गया था. इस सेशन में एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला, एडवोकेट अलाउद्दीन सागर, एडवोकेट अशफाक सिद्दीकी और दीगर उकला ने खिताब किया. वक्फ एक्ट 1995 है, उसका अमेंडमेंट 2024 में लाया जाने वाला है. वो है सेक्शन 1, फर्स्ट सेक्शन 1. वो क्या करना चाह रहे हैं, वक्फ का जो नाम है उसको नाम को तब्दील करना चाह रहे हैं. वो है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट. ये वक्फ का नाम ये रहेगा न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से. उसके बाद सेक्शन 3 में चेंजेस लाकर आगा खानी को उन्हें भी एक मेंबर बनाया जाएगा. दो गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी वक्त में जगह दी जा रही थी, कोशिश की गई है. आई नीड सच अ कमिटी
which is formed in the year 2006. There it is mentions that, you know, no practicing Muslim can be the chairman or the member of work board unless he must have sufficient knowledge of Islam. Unless he knows Urdu, he cannot be the member. Therefore, work board is the first point. As we understand, no, behind this board, there are many things to understand. Therefore, first of all, I congratulate our senior guide, a patron, Dr. Maksud Ali Jaizidar Sahab, who made this effort, because I am finding 1,000 people in one man who is in front of us. जो इनाम लैंड है, जो इनाम इंस्टीट्यूशन को जो उम्र मजहबी के तहत जो निज़ाम स्टेट निज़ाम गवर्नमेंट की जानिब से हैदराबाद कर्नाटक इलाके में जितने भी जो इनाम के इंस्टीट्यूशन हैं, इनामदार इंस्टीट्यूशन हैं, उनको फोर्सेबली अंडर सेक्शन वर्स एक्ट 54 के तहत जो है जबरन इन्हें वक्त में डाला गया, जबकि वक्त एक्ट अलग है, इनाम एक्ट अलग है। और इनाम के जमीनात को वक्त में नोटिफाई किया गया, विजिट बनाया गया, और कुछ दिनों के बाद सर्टेन इनाम एवोल्यूशन एक्ट 77 कानून पास करके उन कानून के तहत तमाम वक्फ की प्रॉपर्टीज स्पेशली लैंड डेवलपर को पावर देके अंडर 26 सेक्शन के तहत में जो जो भी उस वक्फ की प्रॉपर्टीज में जो जो टेनेंट होल्डर ऐसे काम कर रहे थे उनको जब बाख्याता करके उनको ग्रांट किया गया। मिन जुमला इन टोटल ये सेमिनार काफी कामयाब रहा। हाजरीन ने भी कहा कि सेमिनार में शिरकत से इनके नॉलेज में इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा।